भाई नमस्कार, आप सभी कैसे हैं? तो चलिए दोस्तों, इस भाग में बताएंगे विषैला जहर बेटी का कहर उर्फ शंकर डाकू का भाग दूसरा अवश्य देखें। उसके आगे जो वीडियो आएगा वो डांस का आएगा। लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, जो आने वाले वीडियो सबसे पहले आप पास आए। ये बता, तुझे बाथरूम करने के लिए इसलिए हमारा मुंह कुछ को मिला? हम जान बुझ तुम्हारे जूते आए अपने ऊपर तो वही बात साले छोटी नहीं कर सकता था। तूने दरबार का नजारा देखा? नहीं देखा है तो मैं तुझे बताता हूं। जब मैं दरबार में बैठा था जी, तो महाराज बेटी सपना को मैंने जो ही देखा, देखे ना, देखे राजा मैंने अपना दिल झाड़ कर दिया। ये महामंत्र चाहे जो भी हो जाए तुझे तुमको एक ताकत रहेगा। ये महामंत्र का वादा था। आई हटाओ, आई हटाओ, मेरे जन्म देखते नाम ले दिया गया। तुम्हें नाम नहीं आता? अरे उसे पिलौटन नहीं, बिना आगे ले हम इतने बड़े हो गए ना बेटी, नहीं नहीं क्या नहीं लिया नाम साला तरह ही क्या ना क्यों हम ले आओ राजापुर में ले आओ नाम नाम पहले नहीं देख पाए भाई पहले हम जाने भाई के चढ़ लिए थे ऐसे तो सामने को मिल जाए तो विधान लेकर लिए थे। हाँ ला ला बेहुदा कहीं का कहता ला 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 को सुजाम जो हुआ जी भी बोलवा हमका सुजाम हुआ है लो मैंने अपने दिल में उर्फ
अपने महबूबा बनाने का मैंने प्रण ठान लिया है। तू वही साथ अरे छोटी है पहले आईने में मुझे देखा है अरे तुम फटहावास हो राजकुमारी को मालूम हो या ना हो लेकिन मैं राजकुमारी को दिलो जान से चाहता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि एक दिन राजकुमारी को मैं पाकर रहूंगा। हेलो यार रिंकू राज को डीजे सुनाओ। राजकुमारी को फिर हम देखेंगे। अच्छा सपना को क्या सपना अरे उन्हें सपना कहते हैं सपना तब चलना चाहिए तो ठीक है। राजकुमारी तुम हमारे दिल में बसी हो सिस्टम है पूरा बदल देने योगी मोदी ही जब चलाए नेता गिरी कदहा फाक कला की पदवी अरे मेधा का कामदारी जैसे तिवारी तैसे हम ये आ गए सत्यम भाई राजापुर। अगर द्वार कटवावत हुए तो भैया संपर्क करो 10 रुपया इनाम ले रहे हैं। पार्टी में रहो धन्यवाद। पूरे बार काट देते मैं तो सही आपकी 10 रुपया। ए बच्चा देखो जैसे तुम हो जैसे हम तुम हो जो पर हम हो जो पर हमारा तुम्हारा बापो जो कर रहे हैं बचपना बीता जा रहा है न तुम्हारे पापा और न हमारे महतारी
क्या कर कुछ नहीं बैठ गया है मार जीव बता थोड़ा गाय बजाए थे ना पास हो गए अकेले बजाए नहीं अकेले थे नहीं अकेले ना है जोरहु आनी कहाँ है पता नहीं कैसे निकली बुलाओ सर जोरहु ओ क्या हो रहा है हम दरबार में अंदर वाले के आखिरी वाले बाहर के लेकिन जब मैं आ रहे थे तो बहुत धूमधाम से नाच गाना शुरू था हम तो गेट पर मिले ना था झूठ बोल रहे हैं गेट पर मिले ना भाई इनकी तरफ से 10 रुपए का पुरस्कार आ रहा है पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को इस नाम को भाई समझ के रखा हुआ है नाच गाना शुरू होते हैं क्यों हम बच्चे से नहीं करें तो कभी भी नहीं मैंने बच्चे हम तो गेटे पर आपका मिलेंगे अच्छा ओके लेकिन मैं तो यहाँ से भाग कर जा रहा था आराम से जाता रहा एक बता दें कि सहज ड्यूटी करे हम बाहर वाले के खड़े हैं ठीक है तुम्हें मारूंगा नहीं मारो लेकिन एक बात तुमसे पूछना है आओ तो है तो बता दिया आता होगा बता दिया कितने साल से यहाँ पे नौकरी करते हो 80 साल 80 साल से और उम्र कितनी है 40 साल अरे ये भी मान लेती कि नौकरी की 20 साल हो गए उम्र 40 साल हो गई लेकिन 80 साल से नौकरी करता है और उम्र इसकी 40 साल ऐसे बताए तुमका कैसे पहले हम पप्पा खराब भी रहे 40 साल हुई ने खाए हाँ चले गए हमका बैठा गए आज तो 40 साल हम हो गए और उम्र भी 40 साल हो गए हाँ जब माने छोटे हैं तब ही तो करने लगे ना हाँ तो पप्पा के हमारे मिला के 80 साल हो गए छोड़ो आपसे बात मुझे ये पूछनी है जी जिस समय में लंदन से यहाँ पर आए ना तो तुम जाकर आए देखा था ना लेकिन रात दरबार में कितने लोग थे दो का दो दुनन्नी 4 दुनन्नी 8 अरे दुनन्नी 2 का 2 दुनन्नी 4 दुनन्नी 8 भूल गया और 8 में पहुंच गया कितने लोग थे रिंकू
जिनको बाईपास गदन फेरा दीजिए 10 रुपया इनाम। पार्टी के दर्शन बहुत बहुत धन्यवाद। इनका जोड़ी नहीं ऐसे जोड़ी जल्दी हो जाए। तीन तरह नवैया नौ आदमी थे। नौ कौन कौन था? तीन तरह नौ। अरे मैं गिनती में पूछ रहा हूँ, आप ये बताइए किस पद पे कौन था? किस पद पे कौन था? आपके पिताजी महाराज जी वो तो यहाँ के सम्राट देवरे मानी बैठ रहे हैं। सोनापति सोनापति किसी का क्या और दाहिनी साइड में वो मोटल्ला बैठ रहा है, वो मंत्री वहाँ मंत्री। हाँ मंत्री मंत्री। क्या नाम है? माम नाम का नाम है यार, यही ना करो बता दे यार। सेनापति नौकरी ये करते हैं आप करते हैं? इनका समझाया ना आपने जहाँ ना बोल पाई बोला कर रहे हो। अच्छा चीला है बॉय मालूमता था तहीने हम खड़े थे। कुल 5 आदमी हुए। 5 आदमी हाँ हम 9 गिंडा लगाए हो गलता हुई कर। लेकिन चुपा जी सेनापति की बात छोड़ दीजिएगा जी। महाराज हमारे पिताजी उनकी भी बात छोड़ दीजिएगा। आप दोनों से भी कोई मतलब नहीं, लेकिन जो हमारे पिताजी की दाहिनी ओर बैठा था क्या नाम बताया मंत्री का? मंत्री मंत्री जी सिर्फ मंत्री नहीं नाम मैं बड़ा भारी क्या नहीं पा रहा। हेलो ये भैया आ गए दादा के दादा राजपाल दादा जिनके 10 से 10 रुपए का पुरस्कार आ रहा है और जिसको चप्पल खरीदनी हो वो वहाँ जो है एक काम करिए। यस मैं जिस समय राज दरबार आई मंत्री जी को मैंने देखा तब से मेरा मन लगता नहीं है मन नहीं लगता प्यार की ताकत हुआ थे ऐसा लगता है थे। मैं मंत्री जी को हमेशा अपने लक्ष्यों को शामिल करती और एक पद की दूरी न रखती। वो आपकी मर्जी है हम कुछ बोल ही नहीं सके थे। आप चाहिए जी और मंत्री विक्रांत सिंह से कहना कि आपको राजकुमारी सपना ने याद किया। यस चाहिए क्या मंत्री की बनाई तेरा दिल कहने क्या और मैंने इसे भेजा जरूर ये जरूर मेरा संदेश मुझे क्यों हर तुम्हें याद दिलाया
जिसको ब्यूटी पार्लर करवाना हो वो मने दादा संपर्क करे, 10 रुपये इनाम है। पार्टी के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। पंखा